हूँ। मेरा नाम मुनीर है, मैं श्रीनगर का हूँ। मैंने क्रिएटिव सर्वे में किया था इन्वेस्टमेंट, इसमें एक आईडी का मिलता, एक आईडी खरीदने में 499 करने थे, फिर हर एक महीने मिलते थे 3,000, ठीक है। उसके बावजूद फिर इसमें ना मतलब हर एक आईडी में मिलते थे ऐसा, फिर जो भी आईडी, जितने भी आईडी खुलते थे इसमें इनको मिलता था कमीशन, हर एक मैडम को, जो मैडम हो, सर हो, कोई भी हो, ठीक है। कस्टमर्स को फ़ोन करते थे, आप आ जाओ, आईडी खोलो, वो ये, कस्टमर होता था बेचारा नर्वस, करे तो करे क्या, अगर अगर कोई कस्टमर होता वो डालता था जैसे कि 5,000, ठीक है, 4,999, उसके बावजूद मिलता था उसको हर एक महीने में 3,000, फिर 15 मंथ के लिए उसको मिलते थे 45,000, फिर जो भी मतलब कस्टमर आता था वो आईडीज खुलता था, जिसको एक थी वो खुलता था 3 के बाद 6 के बाद 8, 8 के बाद 20 के बाद 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, किसी ने खोली है 2,00,000 की, किसी ने खोली है 3,00,000 की, किसी ने खोली है 5,00,000 की, किसी ने खोली है 6,00,000 की, आखिरकार कौन खत्म हो गया, जो यहाँ का कश्मीर का जो युवा है ना, जो यहाँ का यूथ है, वो सारे बेचारे खत्म हो गए, सब उन्हें पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे, उनको सोचा था कि मैंने कम से कम 50 आईडीज है, मैंने 3,00,000 किए थे, मेरे 40,000 आ गए, 2,60,000 मेरे इसी में है अभी, मतलब जो अपने पैसे है, नफा कुछ भी नहीं। इनको फ़ोन किया, स्विच ऑफ है फ़ोन, मैंने इफ़त मैम को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया, बोला कि हम क्राइम वहाँ पे है, साइबर में, पता नहीं यहाँ वहाँ, वो पता ही नहीं है कहाँ है। उसके बाद क्या इशफाक सर को फोन बोलता है, भाग गए। भागने की बात नहीं है ना, देखो सबसे पहले है कि आप देखो वहाँ पे एक क्रिएटिव सर्वे है, जीएसटी नंबर है, सब लगा हुआ है, ठीक है। अगर फ्रॉड होता बोर्ड नहीं लगा होता ना, सबसे पहले बात है ना ये, मतलब कितने वहाँ पे मतलब जॉब करते हैं, मतलब लड़कियाँ हो या लड़का हो, कोई भी हो, वो मैनेजर है वहाँ पे, उनको देखना चाहिए था कि जो भी हमारे यूथ है या हमारे भाई है, हमारी बहनें हैं, उनको देखना चाहिए था कि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई फ्रॉड ना हो, या हमारे भाई है, सबसे पहले है कि हम यहाँ पे लगेंगे, हर कोई हमारा भाई है। सबसे पहले ये किया मैंने गूगल ओपन, ठीक है, ये देखो ये किया मैंने, रुको 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 रुको, सब उसके बाद मैंने किया लॉगिन, ठीक है, ये किया मैंने, ये है अभी मैंने ट्रांसफ़र किया था पैसे, अब देखो रुको रुको, देखो सबसे पहले मैंने सर्वे किया था अभी, ठीक है, और मैं पहले दिखाऊंगा सर्वे किया मैंने, ठीक है, देखो ये पहले मैंने सर्वे किया, देखो ये सर्वे है, ठीक है, ये देखो सर्वे कैसे करते हैं, देखो ये सर्वे करते हैं ऐसे, हो गया सर्वे, ठीक है। उसके बाद बैग निकल के वापस आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे होता है टेक सर्वे, और ये होता है माय रेफरल्स, माय विड्रॉल, ठीक है। मैंने ये विड्रॉल किया था अभी, अभी किया था मैंने 19 दिसंबर, आप देखो 19 दिसंबर 12:21 में किया था मैंने, ये रेफरेंस नंबर भी है, ये रेफरेंस नंबर है, ठीक है। उसके बाद बाहर निकलते हैं वापस, ये देखो ये लॉग आउट करते हैं ये आईडी, उसके बाद ये देखो आईडीज़ ये है, ये आईडीज़ है, इनका जिम्मेदार कौन है, देखिए सर, एक आईडी, दो, तीन, भावे 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 हवा हवा, मुझे स्क्रीनशॉट देखो, 6 आईडी है, मुझे सारे स्क्रीनशॉट इसमें है, ये देखो सर सबसे पहले स्क्रीनशॉट, नौ सात आर नंबर रुपये, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सेकंड, ये अकाउंट नंबर इनके है। हमें सोबिया ने कॉल किया, कॉल करके बोला कि यहाँ पे ये है क्रिएटिव सर्वे, आप आ जाइए इसमें इन्वेस्ट कीजिए। हमने किए पैसे, लेकिन हमें निकले भी कुछ पैसे इसमें। अब हमने परसों फिर से 50,000 रुपीज़ और इसमें इन्वेस्ट किए। हमने आज सुबह देखा कि यहाँ पे ना ऑफिस ही है, ना सोबिया है, ना कोई कुछ भी नहीं है। हमने किया राबिता सोबिया के साथ, उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ रखा है, जबकि मैंने सुबह से उसको 100 बार कॉल किया होगा, वो कोई रेस्पॉन्ड नहीं दे रही। अब हमने इफ़त से बात की, इफ़त बोल रही है कि हम लोग साइबर क्राइम में है इस टाइम, आप वेट कीजिए थोड़ा सा, हम देखेंगे मसला क्या है। हमारा है, हमारी पूरी फैमिली का इन्वेस्टमेंट है, फिलहाल मेरा 50,000 है, मेरी सिस्टर का 50,000 है, ऐसे हम लोगों को बहुत सारों का है। इद्रिस मीर और ये यावर वानी उन दोनों की वजह से किया, जैसे हम लोगों ने किया कि इसमें शायद ये मे भी हो सकता है, ये मतलब ठीक
ये है, हमने यहाँ आके यहाँ पे सर्वे की, देखा ऑफिस है कुछ है तो हमने देखा, फिर हमने इन्वेस्ट में पैसे किए, हमें क्या पता था कि हम लोग कश्मीर की लड़कियाँ हमें ठगेगी। स्टाफ श्रीनगर का है, स्टाफ सारी लड़कियाँ यहीं की है, कश्मीर की सारी लड़कियां हैं, ये कहीं आउटसाइडर की नहीं है, जम्मू की नहीं है, दिल्ली की नहीं है, श्रीनगर की लड़कियां हैं सारी, छजबल में रहती है लड़कियां, करानगर में लड़कियां रहती है, इन्होंने ही हम लोगों को यहां पे बोला कि आप लोग इसमें इन्वेस्ट कीजिए, हमें क्या पता है ये भाग जाएंगे।